check the mic and make sure it sound right, boys. Sterling Nature Trails रिसोर्ट जहां एक बड़ा स्विमिंग पूल है और ये शानदार प्रीमियम एसी टेंट्स। यहां पूल भी है और नदी भी। और अगर शांति और सुकून से मन भर जाए तो आइए हमारे साथ जिप लाइनिंग में और भी कई सारी कमर तोड़ एक्टिविटीज। और यहाँ का अनलिमिटेड बुफे भी एक नंबर का। आइए हमारे साथ इस रिसोर्ट के सफर में। दूर गगन में देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और उससे लगा हुआ जंगल और जंगल के बीचों बीच ये रिसोर्ट। ये एसी टेंट और ये स्विमिंग पूल पूरा जन्नत वाला फीलिंग है। परिवार के साथ शांति के दो पल बिताना हो तो ये जगह काफी अनुकूल लग रहा है। ये प्रीमियम एसी टेंट्स और इससे लगा हुआ बड़ा सा स्विमिंग पूल यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। आइए रूम टूर करते हैं। आप देखिए एक नजर, काफी प्रीमियम और सुंदर। एक डबल बेड और ये साइड में सोफा कम बेड। दो खूबसूरत वॉल लैंप के बीच में एक स्प्लिट एसी और इधर साइड टेबल के नीचे मिनी फ्रिज। टेबल के ऊपर पानी और चाय कॉफी का व्यवस्था। Check the mic and make sure it sound right, boys. और ये है वॉशरूम, छोटा सा मगर काफी सुंदर, साफ सुथरा। कुल मिला के ये टेंट काफी बड़े आकार का है और आराम से इस टेंट में 3 से 4 लोग रह सकते हैं। और टेंट से ठीक बाहर ये नजारे। It sound right, boys. धरती, गगन, हवा, पवन, ये सब प्रकृति के फूल हैं। इनके एहसास ही गुलों के खुशबू और गुलशन के उसूल है। स्टर्लिंग नेचर ट्रेल्स दूषित खोपोली में स्थित है और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जस्ट 15 मिनट दूर है खोपोली पाली रोड में। एक तरफ खोपोली पाली रोड और दूसरे तरफ अंबा नदी और बीचों बीच ये रिसोर्ट। ये रिसोर्ट 35 एकड़ का प्रॉपर्टी है और चारों तरफ काफी हरियाली। यहाँ जनरेटर का व्यवस्था भी है। ये बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया और यहाँ से साथ में लगा हुआ यहाँ का रेस्तरा। यहाँ पे हम रात को आएंगे क्योंकि हमारा पैकेज शुरू होता है डिनर से। आइए अभी चलते हैं
पूल की तरफ। कहावत है कि जिंदगी में गम का दरिया तुम्हें डुबो दे, उससे पहले हर तरीके से तैरना सीख लो। गरीबों की तरह बहुत जी लिया, आप जिंदगी में कुछ तूफानी करते हैं, किसी बढ़िया से रिसोर्ट में जी भर के स्विमिंग करते हैं। रिसोर्ट का मालिक यह सोचकर हैरानी में है कि हर सुबह 14,000 लीटर पानी भरते हैं तो शाम को 15,000 लीटर कैसे हो जाता है पूल में। भाई ये सब सोचने में क्या रखा है, बस तैरने का मजा लो। इस रिसोर्ट के कई अट्रैक्शंस हैं, उसमें से ये एक बड़ा अट्रैक्शन। सह्याद्री माउंटेन, टेंट्स और ये पूल। इस पूरे माहौल में आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर भी वक्त न कटे तो चार यार मिलके कहीं भी वक्त काट ही सकते हैं। शाम के समय रिसोर्ट का एम्बियंस देखते ही बनता है। हमने पैकेज शाम से लिया था और अब डिनर टाइम हो चुका है। ये है इनका डाइनिंग एरिया, क्लीन, ओपन एंड स्पेशियस। आइए देखते हैं डिनर में क्या क्या है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चिकन रस्सा। और ये है गाढ़ी मलाईदार सेवई की खीर। और ये है दाल, चावल और राजमा। इधर है पनीर की सब्जी और बाकी सूप सलाद आगे। और ये रहा मेरा प्लेट, सिर्फ काम के चीज़ों से भरी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, खाना यहाँ का वाकई बहुत ही अच्छा था। अगले दिन सुबह हम चल पड़े रिसोर्ट के बाजू से जंगलों से होते हुए नदी की खोज में। नदी का नाम अम्बा नदी और ये इधर ही पास खोपोली से ओरिजिनेट होती है और जाती है अरेबियन सी में मिलने के लिए। नदी में पानी का बहाव तो हमें तेज लग रहा है। हमने पाया रिसोर्ट से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, ये जगह बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है। ड्रोन शॉट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जगह कितना प्यारा है।
चंबा नदी का एरियल व्यू और इधर से सह्याद्री माउंटेन रेंज। ये जगह ऐसा रमणीक है कि आप घंटों समय बिता सकते हैं। जंगल, पहाड़, नदी, रिसॉर्ट के बाहर का ये जगह हमें जिंदगी भर याद रहेगा। सुबह का इस एक्टिविटी के बाद अब समय हो गया ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, जैम, और मेन आइटम है मिसल पाव और अंडा भुर्जी। और साथ में है पोहा और शीरा अर्थात हलवा। एक अच्छे ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपना हाथ आजमाया कई एक्टिविटीज में। पहला है आर्चरी। सारे एक्टिविटीज पैकेज के कॉस्ट में इंक्लूडेड है। शोले फिल्म का एक सीन तो याद होगा आपको। दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। शोले मूवी का वही सीन मुझे यहाँ याद आ गया। अब चले अगला एक्टिविटी पे, जिप लाइनिंग। जंगल और नदी के बीच में से जिप लाइनिंग करने का एक अलग लेवल का मजा है। और ज़िपलाइनिंग के बाद सबसे मजेदार एक्सपीरियंस बर्मा ब्रिज। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ये सारे एक्टिविटीज आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैडम, I am a reporter from Aaj Tak. How are you feeling? Great. आर्चरी, जिप लाइनिंग, बर्मा ब्रिज, ये सब एक्टिविटी करके इतना पेट में चूहा कूद रहा था कि वक्त है लंच का। लंच में है बटर पनीर, मटर मशरूम, और राइस दाल के अलावा मेन चीज चिकन मसाला। और स्वीट डिश में गर्मा गर्म जलेबी। कुल मिला के यहाँ का ओवरऑल पैकेज वॉज एक्सेलेंट and highly recommended.